पहले मैं ये कहना चाहूँगी, इट्स नॉट 1.15 करोड़, इट्स 1.38 करोड़ इंडिया टोटल पॉपुलेशन। अब ये स्टैट्स चेक करिए, ठीक है? ऑपोजिशन लीडर की लीडर ने कहा कि हायर एंड फायर कर दिया जाएगा इंफॉर्मेशन कमीशन को। आपको बता दूं, उनका टेन्योर फिक्स है, उन्हें आप नहीं हटा सकते हैं, ठीक है? कहा गया कि पीआईयू कम है इतनी बड़ी कंट्री के ऊपर। पीआईयू के पास कब जाएगी इंफॉर्मेशन? जब पब्लिक अथॉरिटी खुद इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। जब आपकी इंफॉर्मेशन का ठीक से जवाब नहीं दिया जाएगा, तब आप पीआईयू के पास जाओगे। देन वन थिंग मोर, किसी ने यहाँ पे बोला कि जहां से हमने लिया वो डेवलप्ड कंट्रीज है, इंडिया इज अ डेवलपिंग। क्या आपको इंडिया को डेवलप नहीं बनाना? क्या हम अंडर डेवलप को देंगे, कॉपी करेंगे? भाई डेवलपिंग से डेवलप में जा रहा है, क्या बात, कहां का कंपैरिजन ला रहे हो? फिर एक चीज और, लिटरेसी रेट पे सवाल उठाया, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं, सुनना तो आता है आपको, सुनना तो आता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आप सुनोगे नहीं क्या उसे? फिर एक चीज और यहाँ पे आई थी, हमारा पर्सनल हार्म कर दिया जाएगा, हमारी जिंदगी का क्या, ये क्या, वो क्या? भाई तुम्हारी राइट को एम्पावर करने के लिए, तुम्हें वो राइट्स देने के लिए, तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा है, पब्लिक के साथ जो गलत हो रहा है, उसी के लिए ही तो हम इसको ला रहे हैं। तुम्हारी सेफ्टी कहाँ से आ गई बीच में? एक और चीज, लास्ट एक चीज और, भावना जी जल्दी अपनी बात रखें। 30 डेज निकाली गई बात, वो टाइम स्पैन रखा गया कि 30 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, ये नहीं है कि 30 दिन के बाद ही आएगी। और यहाँ पे वो भी है कि 48 आवर्स लाइफ एंड लिबर्टी इन्वॉल्विंग 48 आवर्स में आ जाएगी फीस। भाई इतनी सारी इंफॉर्मेशन किस आपको ढूंढ के दे रहे हैं, उसका क्या हमारे एफर्ट्स नहीं होंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के एफर्ट्स नहीं लगेंगे? सो प्लीज एक बार दोबारा से सोचिए और इस बिल को पास होने दीजिए। थैंक यू मैम। मैं यहाँ पर सरकार से पूछना चाहूँगा कि जिन जो लोग सरकार के भ्रष्टाचार जो आपके नेता घोटाले करते हैं उनके ऊपर अगर कोई आरटीआई लगाएगा तो क्या उनकी सुरक्षा को ठेस नहीं पहुँचेगी? और यदि उनको सुरक्षा को ठेस पहुँचती है, सरकार को किसी की इमेज खराब करनी हो, अपनी पब्लिक मशीनरीज को यूज करती है, हर किसी के पीछे जाकर ईडी लगा देती है, लेकिन जब बात गवर्नमेंट का अपने नेताओं को जेंडर सिक्योरिटी दे देती है उन घोटालों से बचाने के लिए, और आम आदमी जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है, क्या उसको जवाब मिलेगा वहाँ पर? क्या उसको एक जवाब मिलेगा जो आपके नेताओं पर उठाएगा? क्या उसको एक जवाब मिलेगा आपके नेताओं ने घोटाला क्यों किया, इस देश का पैसा कहाँ गया? क्या आपकी सरकार में हरिश्चंद्र बैठे हैं जो देश को एक चुकी है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्टी स्नैक्स। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त हिसार की ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2022 का आयोजन किया गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि दो पार्ट्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर एक तो सत्ता के अंदर बैठे लोग वो मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ की बात की जाए तो विपक्ष के अंदर बैठे लोग वो मौजूद है। कैसे एक पार्लियामेंट के अंदर एक विधेयक जो है वो पास किया जाता है, उसको लेकर के आज एक पूरा का पूरा मॉक पार्लियामेंट का यहाँ पर गठन किया गया है। बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, पहली सीट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बिठाए गए हैं, दूसरी सीट के ऊपर लॉ मिनिस्टर बिठाए गए हैं, तो तीसरी सीट के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर बिठाए गए हैं। तो बच्चों ने आज कल जो है जीएसटी को लेकर के चर्चा की थी, तो वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज आरटीआई के कानून को लेकर के चर्चा की गई है। जानने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर से जानने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बोल रही थी। मुझे ये बताइए कि अगर किसी भी बिल को पास करना हो तो सबसे अहम चीज़ उसके अंदर क्या देखी जाती है? फर्स्ट, इट शुड बी वैलिड, इट शुड बी फॉर द वेलफेयर फर्स्ट इट शुड बी वैलिड एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजंस, एंड सेकेंड इट शुड बी पास बाय द मेजोरिटी फ्रॉम द पार्लियामेंट। अच्छा, अगर बिल की बात की जाए, अगर कोई भी बिल हम लेकर के आते हैं, अगर विपक्ष आपको कहता है कि नहीं पास होना चाहिए, लेकिन आप लोग कहते हैं कि नहीं नहीं पास होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा पॉइंट आप उसके अंदर देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी प्रेजेंट अ बिल, वी चेक इट, वी एनालाइज इट वेरी नाइसली, एंड इफ देर आर सम रिकमेंडेशन दैट आर गिवन बाय द ऑपोजिशन, वी इम्प्लीमेंट देम। इट्स नॉट दैट वी आर रिजिड ऑन दैट थिंग, बट इफ
वी आर प्रेजेंटिंग इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, इट शुड बी पास. तो अगर आज की बात करो, जो ये पार्लियामेंट बनाई गई है, इसके अंदर कौन से कोर्स के बच्चे हैं या फिर पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर से ही बच्चे इसके अंदर चूज किए गए हैं? द स्टूडेंट्स हियर आर फ्रॉम द होल नेशन. इट्स अ नेशनल लेवल पार्लियामेंट. Yeah, the students here are from the whole nation. It's okay. A national level parliament. Okay, national level parliament का आज organization किया गया है. मुझे ये बताइए कहाँ से आई हैं आप? मैं हिसार लोकल से ही हूँ, बट यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, हर जगह से बच्चे आए हुए हैं और उन्होंने बहुत ही अपने अपने स्टेट्स का, अपने स्टेट्स की लेवल के जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स थी सभी यहाँ पे रखी है और उनको सुना भी गया है. तो कोई स्पेसिफिकली आप कोर्स परस्यू कर रही हैं या फिर क्या कर रही हैं? मैं एक्चुअली बीकॉम ग्रेजुएट हूँ. पूरे देश के 642 स्टूडेंट्स के अंदर से 60 पार्टिसिपेंट्स सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाए हैं. लो मिनिस्टर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है. मैडम ने देखते ही मास्क से कवर कर लिया है. मैम ये बताइए कि लो मिनिस्टर का एक्चुअल में काम क्या होता है पार्लियामेंट में? लॉज को क्रिएट करना, लॉज को रखना, अपना हिंदी नहीं आती मुझे, अपना बोलना लॉ के बारे में, लॉज रखना, क्रिएट करना, वो सब. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है. हालांकि हमने असलियत के प्राइम मिनिस्टर से कभी मुलाकात नहीं की, लेकिन ये भी उनसे कम नहीं लग रहे हैं. मुझे ये बताइए, अगर गेटअप की बात की जाए तो क्या आप लोगों को पहले से बताया जाता है कि ऐसा गेटअप आप लोगों को लेकर के आना है या फिर आप लोग कुछ भी वेयर कर सकते हैं? उम्मीद करता हूँ मैम आपकी जल्दी मुलाकात मोदी साहब से हो. और हाल फिलहाल मैम ये एक मॉक पार्लियामेंट है, यहाँ पर हम सिर्फ एक चीज़ उस चीज़ को एनेक्ट कर रहे हैं. एनेक्ट करते टाइम एक रोल प्रदान किया गया, एक रोल कहा गया कि ये रोल हमें अदा करना है. उस रोल को अदा करते हुए एक रोल मॉडल जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अब तक रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, एक छवि हमारे सामने जो आती है वो एक साफ छवि आती है, वो एक मेजर छवि आती है जिसमें मैच्योरिटी झलकती है. रियल पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो क्या प्राइम मिनिस्टर इसी तरीके से कोने के ऊपर ही बैठते हैं? शुरुआत प्रधानमंत्री जी से ही होती है क्योंकि उनको सरकार का मुखिया माना जाता है. सरकार का मुखिया होते हुए वो सरकार को डिनोट करते हैं और उनकी जो सीट रहती है वो प्रथम सीट ही होती है. तो इस पूरे की पूरी पार्लियामेंट से आप लोगों को क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला मैम. बहुत सी चर्चाएं हुई, चर्चाओं में विचार विमर्श हुआ, विचार विमर्श के बाद उसका एक कंक्लूजन हुआ. विपक्षी दल के जो सदस्य रहे यहाँ मॉक पार्लियामेंट में, उन्होंने अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किए. बहुत रिसर्च करी, मैं सराहना करता हूँ उनकी रिसर्च की. साथ ही साथ जो हमारे सत्ता पक्ष के व्यक्ति थे उन्होंने भी बहुत इसमें कार्य किया, सर्च करी, रिसर्च करने के बाद यहाँ पर प्रस्तुत किया गया. ये सब सराहना के योग्य हैं मैम. कल GST का बिल लेकर के आए थे, तो वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज RTI का बिल लेकर के आए थे. दोनों में से कौन सा पास हुआ? दोनों पास हुए मैम, दोनों पास हुए. बिल्कुल, मोदी सरकार में सब कुछ पास होता है अगर वो मोदी सरकार लेकर के आए. कुछ ऐसा है, अगर मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट है तो सब कुछ पास होता है. लेकिन देखिए, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि विपक्षी दल का कोई रोल नहीं होता. विपक्षी दल अपना अपना अहम रोल अदा करता है. संविधान में, लोकतंत्र में क्रिटिक्स की एक बहुत अहम भूमिका है. उस भूमिका को हम टाल नहीं सकते, उस भूमिका को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. जब अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगा तभी जो है सत्ता पक्ष निखर करके आता है. मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई ऐसा डायलॉग या ऐसी कोई लाइन जो आप हमारे चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे? माफ़ कीजिएगा मैम, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, सॉरी. थैंक यू सर. कोई कुछ ऐसी मिमिक्री या फिर समथिंग ऐसा? नहीं प्लीज, सॉरी. ओके, तो मेरे साथ जो है क्रिटिसिज्म के लिए यहाँ पर विपक्षी दल के लिए भी बैठे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन. मैम, लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा मिला हुआ है. फिलहाल आप जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका निभा रही हैं, तो मुझे ये बताइए कि कैसा लगा पार्लियामेंट में आकर के? पार्लियामेंट में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मैंने, अगर मैं टू बी फ्रैंक, मैंने फर्स्ट टाइम किया है और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस. अच्छा, पहले बात करें कि कोर्स की, तो आपने कौन सा कोर्स परस्यू किया हुआ है? एक्चुअली राइट नाउ आई एम परस्यूइंग MA साइकोलॉजी. आई एम डूइंग साइकोलॉजी की स्टूडेंट है लेकिन फिर भी लॉ के लिए यहाँ पर पहुँची है. प्रोसीजर कैसे रहता है यहाँ पहुँचने के लिए? सर यहाँ मैम, यहाँ पे पहुँचने के लिए बेसिकली वी आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ओनली एंड हम लोगों को ये इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है एंड टीचर दे चूज वन ऑफ दोज हु आर बेस्ट एंड लकीली आई एम वन ऑफ देम. सो स्पीकर महोदया ने क्या फैसला लिया? दोनों बिल पास करवा दिए? दोनों बिल तो नहीं, स्पीकर महोदय का फैसला अभी बाद में आएगा, अभी आया नहीं. तो इस वक्त स्पीकर हमारे साथ मौजूद है पूरे पार्लियामेंट की. जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर ऑफ हरियाणा विधानसभा हमारे जो है रणबीर गंगवा जी, उसी तरीके से स्पीकर मैम यहाँ पर बैठी हुई हैं. मैम ये बताइए कि यहाँ स्पीकर तक पहुँचने में कितनी मुश्किल हुई?
ये तो अथॉरिटीज का फैसला था मैम कि मुझे स्पीकर बनाया गया। अच्छा, अगर बात की जाए दोनों बिलों की तो क्या कोई पास हुआ है? बिल्कुल, दोनों बिल पास हुए हैं मैम। विपक्ष और पक्ष दोनों पक्षों ने अपनी बात बहुत अच्छे से, कोई अपनी बात यहाँ पर रखना चाहता है हाथ ऊपर करता है तो आप क्या देख करके उसको हाँ या ना का जवाब देती हैं? शुरुआत में हर पार्टिसिपेंट को बराबर का समय आवंटित किया गया था, उसके बाद जैसे क्वेश्चन आर होता है हमारे पार्लियामेंट में वैसे ही क्वेश्चन आर हुआ। पक्ष ने अपने विपक्ष की जो आपत्तियां थी उनको क्लियर करते हुए जवाब दिए और फिर विपक्ष ने और आपत्तियां उठाई, उस तरीके से सबको बराबर समय देकर फैसला लिया गया। अगर स्पीकर पद की बात करूँ, इस वक्त आप स्पीकर की भूमिका के अंदर नजर आ रही हैं, कैसा लगा स्पीकर बन गए? बहुत अच्छी फीलिंग है और आई होप वन डे मे बी आई विल सिट इन पार्लियामेंट ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि मैम जो है स्पीकर बने। लेकिन अभी आपको बताए थे हमारे पूरे इवेंट की चीफ गेस्ट आईपीएस किरण बेदी यहाँ पर पहुँचने वाली हैं, तो आगे के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे सिटी बिग न्यूज की रिपोर्ट, नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्टी स्नैक्स। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।